अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी हॉल में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन योग कराया गया। इसके साथ ही अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने भी योग कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तम जीवन शैली के लिए योग का होना अति महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक महामारी काल में भी योग ही इम्यूनिटी तथा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुआ है। योग की विभिन्न क्रियाएं मनुष्य को स्वस्थ बना सकती हैं, इसलिए जनमानस को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य लेना चाहिए। कार्यक्रम में आयुष चिकित्सा अधिकारी योग एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता, योग प्रशिक्षक श्वेता सिंह, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एसी श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एके श्रीवास्तव, डॉक्टर शहनवाज अंसारी, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर नवीन वर्मा, डॉक्टर शमी अख्तर, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, यास्मीन बेबी, राजेंद्र गुप्ता, शोभा पांडे, संजू, सुशील, बीएल प्रजापति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुष चिकित्सा अधिकारी योग एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता एवं जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद्र श्रीवास्तव ने कहा। दो फीट की लगभग गैप होना चाहिए, इस तरह से हाथ को उठाइए, आपके हथेली जो है जमीन की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद एक तरफ झुक करके आप ठीक हो जाए। संतोष गुप्ता, आयुष चिकित्सा अधिकारी, योगा एक्सपर्ट, जिला चिकित्सालय आयुष विंग गोरखपुर। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योगा का कार्यक्रम जिला अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करके कुछ व्यक्ति जो यहां पर ड्यूटी करने आते हैं उनको कराया गया और सभी लोगों को ऑनलाइन योगा कराया गया। इसी के साथ साथ ऑनलाइन योगा का कार्यक्रम सभी अपने घर पर किए हैं और ये जिला अस्पताल में योग कराया गया। योग का हमारे जीवन शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उत्तम जीवन जीने के लिए योग करना सभी को लिए आवश्यक है। योग केवल 21 जून को नहीं करना है, ये क्यों मनाया जाता है और निरंतर लोगों को योग करना है, क्योंकि आज ये कोविड कोरोना काल में भी योग का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जो हमारे ऑक्सीजन लेवल घटते थे उससे उसमें वृद्धि हुई है योग के ही द्वारा, इम्यूनिटी बूस्टअप हुआ है योग के द्वारा। इसलिए हम सभी लोग से यही आग्रह करेंगे
कि योग निरंतर अपने दिनचर्या में शामिल करे। आज 21 जून को हम विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहे हैं। वैसे ऊपर से एक गाइडलाइन है कि ऑनलाइन ही इसका एडवर्टीजमेंट अधिक किया जाए और कराया जाए, वो किया जा रहा है, तथा साथ में कुछ लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम योगाभ्यास न्यू ओपीडी हॉल में कराए हैं। इसमें हमारे योग टीचर भी आए हैं तथा साथ में हमारे मंदिर में कान जो पूजा करते हैं उनके पुजारी भी बहुत अच्छी योगा करते हैं। इन दोनों के देखरेख में 14-15 हमारे यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ नर्स तथा अन्य सहकर्मियों में से योगाभ्यास कर रहे हैं। ये 7:15 बजे लगभग शुरू हुआ है और 8 बजे समाप्त हुआ है। ये योगाभ्यास और योग, विश्व योग दिवस, हम महर्षि पतंजलि जो योग और आयुर्वेद के एक तरह से दोनों के समन्वय करने के जनक माने जाते हैं, उनके आदर में मनाते हैं। और ये पूरे विश्व को संदेश देना है कि भारत ने योग और आयुर्वेद को समन्वय करके जीवन शैली जीने की एक ऐसी शुरुआत की है जिससे हम निरोग रह सकें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें तथा आने वाले कष्टों से मुक्त रह सकें। धन्यवाद।